इस्लाम आबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मारूफ एंकर पर्सन मोहित पीरजादा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने का कहा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ट्विटर पर अरशद शरीफ की मौत का पता चला तो सहाफी इमरान रियाज खान को इस खबर की तस्दीक के लिए फोन किया। उन्होंने रोते हुए तस्दीक की, अरशद शरीफ को गोली लग गई है, फिर हम दोनों जारों पतार रोने लग गए। मोहित पीरजादा ने कहा कि मैं अपनी माँ की मौत पर भी नहीं रोया। 2013 में मेरी माँ की अचानक मौत हुई थी और उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। उनका कहना था कि यकीन नहीं आ रहा था कि अरशद शरीफ चलेगी, ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात हुई, वो कह रही थी कि मैंने अरशद शरीफ को बाहर इसलिए जाने दिया कि यहाँ उसकी जिंदगी को खतरा था। उनका कहना था कि मुझे अरशद शरीफ के घर से पता चला कि पहले वो दुबई में थे, जहाँ उन्हें कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको डिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप 24 घंटों में दुबई छोड़ दें। फिर वो वीजा फ्री एंट्री पर हीनिया चले गए। मारूफ एंकर पर्सन ने बताया कि बैरिस्टर शुएब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह थी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने की बात की।